हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा स्टाइल्स। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसा हेयर पैक जो आप आसानी से घर पर बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करके और अपने बाल पा सकती हैं, स्मूथ, सिल्की, शाइन, काले, घने और लंबे। और मैंने इसे यूज भी किया है और इसका फ़ायदा भी उठाया है। तो मैंने एक बार ये सोचा कि शायद मैं आपको इसके बारे में बता दूँ जिससे आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपने मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपके बाल हो जाएंगे एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ, और ये पैक लगाने से आपके बाल होंगे मजबूत। और मेरा दावा है कि आप एक बार ही इस हेयर पैक को इस्तेमाल करेंगी तो दोबारा मेरे चैनल पर आकर आप कमेंट जरूर करेंगी। और ये आप पैक सप्ताह में एक बार जरूर लगाइएगा मेरे कहने पर। और मैं कोई भी बनावटी पिक्चर बताने वाली यहाँ पर नहीं हूँ, आपको जो बताऊँगी वो रियली बताऊँगी। ये देखिए मेरे बाल, और एकदम सिल्की एंड शाइनी हैं और बहुत ही स्मूथ हैं। मैंने अपने बालों पर ये हेयर पैक लगाया है और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये वाला हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी आंवले का पाउडर का पानी, जिसे मैंने आंवले के पाउडर को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उस पानी को मैंने लिया है। अब लेने वाली हूँ मेथी का पानी। मेथी को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा था, वो उसका पानी है। आप चाहो तो बॉईल करके भी उसका पानी ले सकते हो। अब लेना है आपको एलोवेरा जेल। मेरे पास जो भी था एलोवेरा जेल वो मैंने यूज किया है। आपके पास जो भी घर पर अवेलेबल हो वो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए 2 चम्मच। आप चाहो तो पौधों वाला डायरेक्टली पौधों की लीव्स होती है उसका एलोवेरा ले लीजिए, वो तो और भी फायदा करेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 चम्मच जितना एलोवेरा जेल। आपको पता ही है कि एलोवेरा जेल कितना फायदा करता है ना। इससे न सिर्फ आपकी हेयर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बल्कि इससे आपके बालों की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाती है। इस एलोवेरा जेल तो बहुत ही फायदेमंद है। इसे मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। एलोवेरा के बाद में आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। यह आपको कोई भी लोकल मार्केट यानी कि मेडिकल शॉप पे आप आसानी से मिल जाएंगी विटामिन ई कैप्सूल। और विटामिन ई कैप्सूल यहाँ पर लूँगी मैं 2, और ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। ये बालों को जरूरी पोषक तत्व देकर मजबूत बनाता है। बालों की सफ़ेदी को भी रोकने में मदद करता है विटामिन ई कैप्सूल। ये बहुत ही फायदेमंद है। और अब इसमें ऐड करना है आपको कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको इतना लेना है जितना आपके बालों की लेंथ है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ लगभग 5 से 6 चम्मच। मेरे बालों की लेंथ थोड़ी लंबी है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ तेल। और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और एक साथ मिक्स हो जाए ना, अच्छे से फेंटना है इसको, और अच्छे से बहुत ही अच्छा एक हेयर पैक रेडी हो जाएगा। इसमें आप लगातार हिलाते रहिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको। फिर इसको आप एक कॉटन की सहायता से अपने बालों की जड़ों पर लगाइएगा। अभी देखिए मैं कॉटन को डिप कर रही हूँ इस हेयर मास्क में और अपने बालों की जड़ों पर लगाऊंगी मैं अच्छे से। बालों की हर एक जड़ों पर लगाना है आपको, और ऐसे से। और इस हेयर मास्क में मैंने आंवले का पानी डाला है क्योंकि आंवले का पानी हमारे बालों को काला करता है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी और विटामिन ई जो बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ भरपूर पोषण भी देता है और बालों की ग्रोथ भी अच्छा करता है और सफ़ेद बालों को आने से रोकता है। तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है ना आंवले का पानी। तो आंवले का पानी तो जरूरी यूज करना चाहिए। और मैंने इस हेयर मास्क में मेथी के पानी का भी इस्तेमाल किया है। जो मेथी में विटामिन प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को हेल्दी के साथ साथ लंबा बनाने में मदद करता है। इस हेयर पैक को अपने पूरे बालों की लेंथ पर लगाकर अच्छे से मसाज कर कर एक जुड्डा बांध देना है आपको। और फिर 2 से 3 घंटे पर आप इस अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और अभी देखिए मैं अपने बालों को अच्छे से वो जुड़ा बांध दिया है मैंने, और मैं करीबन इसे 2 घंटे पर बाद में अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लूंगी। और ये है फाइनल रिजल्ट, और जो भी है आपके सामने है। मैंने पिक्चर को एडिट नहीं किया है, ये देखिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं व्लॉग भी बनाऊंगी अच्छे। और ये वाली नेल पेंट आपको कैसी लगी, इसका शॉर्ट मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द।
देखिएगा जरूर, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को पहली बार आए हो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।